नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 डिजिट्स बियरिंग नोमेनक्लेचर्स के बारे में, यानी जो 5 डिजिट वाले बियरिंग नंबर होते हैं उनका एक एक डिजिट बियरिंग के कौन से साइज की तरफ इंडिकेट करता है। सो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो सब्सक्राइब बटन के पास में ये जो बेल आइकन होता है, इस बेल आइकन को प्लीज जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपका जीके में इंटरेस्ट है तो आप हमारे दूसरे चैनल जीके पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है 300 लाइक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बियरिंग नंबर का जो पहला डिजिट होता है वो बियरिंग की टाइप बताता है कि वो बियरिंग किस प्रकार का है। जैसे यहाँ पे ये 5 डिजिट वाला बियरिंग नंबर है 32206, तो ये 3 इंडिकेट कर रहा है इसकी टाइप को। ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये बियरिंग टेपर रोलर बियरिंग है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 2 होता और ये बियरिंग नंबर होता 22206, तो ये 2 इंडिकेट करता इसकी टाइप को, यानी इसकी टाइप हो जाती स्फेरिकल रोलर बियरिंग। तो ऐसे बियरिंग का जो पहला नंबर होता है वो बियरिंग की टाइप को इंडिकेट करता है कि वो बियरिंग किस प्रकार का है। बियरिंग नंबर का दूसरा डिजिट बियरिंग की विड्थ सीरीज की तरफ इंडिकेट करता है, यानी बियरिंग की थिकनेस की तरफ, कि उस बियरिंग की चौड़ाई कितनी है। जैसे जैसे बियरिंग के सेकंड डिजिट बढ़ता है वैसे वैसे बियरिंग की थिकनेस भी बढ़ती है, और अगर सेकंड डिजिट इसका कम होगा तो बियरिंग की ये वाली विड्थ जो है ये भी कम हो जाएगी। अगर सेकंड डिजिट 2 है तो ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये नैरो विड्थ सीरीज का बियरिंग है। अगर 2 की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा इसकी विड्थ को वेरी नैरो, यानी इसकी थिकनेस और कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होगा तो थिकनेस इसकी वाइड हो जाएगी, और अगर हो जाएगा 4 तो इसकी जो विड्थ होगी वो एक्स्ट्रा वाइड हो जाएगी। हम इसकी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे हमने ये बियरिंग नंबर लिखा है 32206, ठीक है, और इसका जो सेकंड डिजिट है वो है 2, और ये 32206 बियरिंग की टाइप है टेपर रोलर, और इसकी विड्थ है 21.25 mm, आउटर है इसका 62 mm और बोर है इसका 30 mm। हमने यहां पे क्या किया, इसका जो सेकंड डिजिट है उसमें चेंज कर दिया और इसको लिख दिया हमने 3, यानी बियरिंग नंबर हो गया 33206। तो इस बियरिंग में क्या बदलाव आया, इसकी टाइप वही रही टेपर रोलर और इसकी थिकनेस हो गई 25 mm, यानी यहां पे 2 की जगह पे 3 हुआ तो यहां पे इसकी जो विड्थ है वो वाइड हो गई और इसकी विड्थ होगी 21.25 mm से 25 mm, यानी इसकी बियरिंग की थिकनेस बढ़ गई क्योंकि इसके जो सेकंड डिजिट में बदलाव आ गया है। ओडी इसका सेम है 62 mm और आईडी भी इसका सेम है 30 mm। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके सेकंड डिजिट में 3 की जगह पे लिख दिया यहां पे 0, तो बियरिंग नंबर बन गया 30206। टाइप उसकी सेम है टेपर रोलर और थिकनेस उसकी हो गई 17.25 mm। ओडी सेम है और आईडी भी सेम है, मगर सिर्फ इसकी थिकनेस यानी इसकी विड्थ में चेंज हो गया, इसकी थिकनेस कम हो गई। तो ऐसे बियरिंग नंबर का अगर सेकंड डिजिट कम होता है तो उसकी थिकनेस भी कम होती है, अगर ये सेकंड डिजिट बढ़ता है तो उसके साथ में उसकी थिकनेस भी बढ़ती है। बियरिंग नंबर के तीसरे डिजिट के ऊपर इसका आउटसाइड डायमीटर और इसकी थिकनेस डिपेंड करती है। जैसे जैसे बियरिंग नंबर का तीसरा डिजिट बढ़ता है तो उसका आउटसाइड डायमीटर और उसकी थिकनेस भी बढ़ती है, और जैसे जैसे बियरिंग नंबर का तीसरा डिजिट कम होता है तो उसका आउटसाइड डायमीटर और उसकी थिकनेस भी कम होती है। तो ऐसे बियरिंग के तीसरे डिजिट के ऊपर बियरिंग का आउटसाइड डायमीटर और इसकी थिकनेस डिपेंड करती है। इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहां पे बियरिंग नंबर है 32206 और इस बियरिंग की विड्थ है 21.25 mm और इसका आउटर डायमीटर है 62 mm। तो हमने क्या किया, बियरिंग नंबर के तीसरे डिजिट में बदलाव कर दिया, यानी यहां पे लिख दिया हमने 32306, ये बियरिंग का तीसरा डिजिट हो गया 2 से 3। तो इस बियरिंग में क्या बदलाव आया, इसकी विड्थ होगी 28.75 mm और इसका आउटर डायमीटर हो गया 72 mm, यानी इसका आउटर डायमीटर भी बढ़ गया और इसकी विड्थ भी बढ़ गई। तो ऐसे ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये बियरिंग लार्ज आउटसाइड डायमीटर सीरीज का बियरिंग है। अगर यहां पे 3 की जगह पे 2 होता तो ये 2 इंडिकेट करता कि ये बियरिंग मीडियम आउटसाइड डायमीटर सीरीज का है, और अगर यहां पे 2 की जगह पे 1 या फिर 0 होता तो ये बियरिंग आता स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल आउटसाइड डायमीटर सीरीज में। तो ऐसे बियरिंग का तीसरा डिजिट बियरिंग के आउटसाइड डायमीटर की तरफ इंडिकेट करता है। बियरिंग के तीसरे और चौथे डिजिट के ऊपर बियरिंग का आईडी डिपेंड करता है, यानी बियरिंग का बोर साइज डिपेंड करता है। अगर बियरिंग नंबर का तीसरा और चौथा डिजिट 00 है तो उस बियरिंग का आईडी हो जाएगा 10 mm,
और अगर इसका तीसरा और चौथा डिजिट है 01 तो उसका आईडी हो जाएगा 12 mm, और अगर ये डिजिट है 02 तो उसका आईडी यानी उसका बोर साइज हो जाएगा 15 mm, और अगर ये डिजिट है 03 तो उसका आईडी हो जाएगा बेरिंग का 17 mm। ये जो चार बेरिंग डिजिट है इनके आईडी फिक्स है 10, 12, 15 और 17, और इसके जो आगे के डिजिट है यानी अगर यहाँ पे होगा 04, यहाँ पे 04 होगा तो इसका आईडी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आईडी आ जाएगा 20 mm। जैसे यहाँ पे 06 है तो इस 06 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बेरिंग नंबर का आईडी आ जाएगा यानी इसका आईडी हो जाएगा 30 mm। तो ऐसे जो बेरिंग का बोर साइज होता है वो बेरिंग के लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी बेरिंग के 5 डिजिट नंबर की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपका जीके में इंटरेस्ट है तो आप हमारे दूसरे चैनल जीके पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।